Hello students, we will read sixth chapter of eighth class. तो हम जोड़ी के बारे में और फोन के बारे में रीड कर रही थी. उसके बाद में कैन आई राइड बैक विद मील व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. तो जोड़ी होता है वो कहता है कि क्या मैं मील व्हील के साथ क्या कर सकता हूँ, राइड कर सकता हूँ और क्या फ़ोन को फाइंड कर सकता हूँ. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. वो कहता है मैं तो तुम्हें कहता हूँ तुम चले जाओ, बट तुम्हारी मम्मी को बता दो. ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. तो सिडल मतलब धीरे से जाना. वो जाता है और वहाँ पे अपनी मम्मी के पास टेबल पर बैठ जाता है. हिज मदर वॉज पावरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन. तो उसकी जो मदर है वो कॉफ़ी डाल रही होती है सभी के लिए. ही सेड माँ पास सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन. तो वो कहता है कि माँ पा कह रही हैं कि मैं क्या है फ़ोन को ले जाने के लिए, वापस ले के आने के लिए जा सकता हूँ. शी हैल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर. तो वो उसने क्या है मतलब कॉफ़ी पॉट को मतलब ऐसे छोड़ मतलब ऐसे ना ध्यान देती उसकी ओर. व्हाट फ़ोन. वो कहते क्या फ़ोन. द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी गिल्ड. वी यूज़ द डो लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा. वो कहता है कि फ़ोन जो हमने डो फीमेल जो डो है उसे किल किया था, उसका बच्चा है जो कि डो का लीवर हमने क्या यूज़ किया था, पॉइजन को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया था और पापा को सेव किया था. शी गैस्प्ड वेल फॉर पिटी सेक. वो कहते चलो अच्छी बात है. पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ. तो पापा कहते हैं कि ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, अच्छा नहीं होगा उसे भूखे मरने के लिए छोड़ना. डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट. तो विल्सन बोलते हैं कि हाँ तो ये उसकी मम्मी भी ठीक कह रही है, मतलब कुछ भी फ्री नहीं आता यहाँ पे. तो बच्चा भी सही कह रहा है, उसके डैडी भी सही है अपनी जगह पे. मील विल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड आउट इट. तो मील विल कहता है कि वो मेरे साथ बैक मतलब मेरे पीछे बैठ के आ सकता है और मैं उसे हेल्प करूँगा इसे फाइंड करने में. शी सेट डाउन द पोर्ट हेल्पलेसली. तो वो क्या है पोर्ट रख देती है. वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट. तो वो कहते हैं अगर तुम मिल्क दोगे इसकी इसे तो हमें हमारे पास कुछ भी और फीड करने के लिए इसे खिलाने के लिए नहीं होगा. मिल विल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गोट टू गेट राइडिंग. हमें राइडिंग हमें जाना चाहिए. माँ बक्स्टर आस्क्ड एंड एक्चुअली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. जो बक्स्टर उनकी जो सरनेम होता है ठीक है उनका, वो बड़ी उत्सुकता से उसे कहती है कि तुम्हें बहुत दूर नहीं जाना है. जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. वो कहता है मैं डिनर से पहले आ जाऊँगा. मील विल माउंटेड हिज हॉर्स ओल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम. तो वो अपना जो हॉर्स है आगे बढ़ाता है और जोड़ी को अपने पीछे बिठा लेता है. ही सेड टू मील विल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर. तो वो बच्चा जोड़ी जो होता है वो मील विल से कहता है क्या तुम सोचते हो कि फ़ोन वहीं पे होगा. विल यू हेल्प मी फाइंड हिम. क्या तुम हेल्प करोगे मुझे फाइंड करने में. वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव. हाउ यू नो इट्स ही. तो वो कहता है हम इसे फाइंड करेंगे अगर वो जिंदा होगा तो, और तुम्हें कैसे पता चलेगा वो ही है वो फ़ोन. द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन. कि जो स्पोर्ट्स थे उस पर एक डब्बे से थे, वो एक लाइन में थे. ऑन अ डो फोन. डो फोन पे बा सेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे. तो इन डिफरेंट मतलब जो स्पोर्ट्स हैं वो कभी कभी डिफरेंट डायरेक्शंस में भी होते हैं, बट उसके सेम थी. जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन एंड दे पास द बटन क्लियर. जो जोनी के माइंड में क्या है सॉरी जोड़ी के माइंड में क्या है फ़ोन की ही सोच होती है और वो क्या है अबंडन प्लेस को क्लियर कर लेते हैं. ही सेड कट टू द नॉर्थ. वो कहता है कि नॉर्थ की ओर मुड़ो. मील व्हील इट वॉज अप हियर दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फोन. तो वो कहता है कि ये नॉर्थ साइड में है जहाँ पे पापा को किसने स्नेक ने काटा था और हमने डो को वहीं पे मारा था और वहीं पे मैंने फोन को देखा था. सडनली जोड़ी वॉज अनविलिंग टू हैव मील व्हील विद हिम. इफ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन
and if the phone was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. तो जो जोड़ी होता है वो क्या करता है, वो नहीं चाहता कि वो जो है मिल विल को लेके जाए. अगर वो डेड हुआ तो वो जो फीलिंग है डिसअपॉइंटमेंट की वो देख नहीं सकेंगे, और अगर अगर वो मिल जाते तो ये बहुत ही सीक्रेट वाली बात होगी, बहुत ही लवली मीटिंग होगी, सहन कर शेयर करने के लिए, मतलब किसी को बताने के लिए. ही सैड इट इज़ नॉट फार नाउ बट द स्कर्ब इज़ वेरी थिक फॉर हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट. वो कहता है कि मुझे लगता है अभी ये दूर नहीं है, बट जो श्रब हैं, जो झाड़ियाँ हैं, वो ज़्यादा थिक हैं, तो अब हमें क्या, हमें उत्तर की मतलब बाय फुट जाना चाहिए, मतलब चल के जाना चाहिए. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गोट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू. वो कहता है कि मुझे डर लग रहा है, विल कहता है मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हें किसी स्नेक ने काट लिया तो. आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, इफ ही इज वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर. वो कहता है कि मुझे थोड़ा, मैं अपनी ध्यान रखूँगा अपना, और मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा इधर उधर देखते हुए, एंड मुझे यहीं पे छोड़ दो. ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट. वो कहता है कि तुम पता है नॉर्थ कहाँ है और ईस्ट कहाँ है, देयर एंड देयर दैट टोल पाइन मेक्स अ बियरिंग. तो यहाँ पे क्या है, ये टोल जो टोल पाइन है, मतलब पाइन ट्रीज हैं, ये क्या बियरिंग बनाते हैं, मतलब वो इंडिकेट करते हैं, एक्स एज कंपास, जो डायरेक्शन को क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए. सो लॉन्ग मिल विल आई एम ऑब्लाइज्ड, ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड. उसने क्या, जो घोड़े के पैरों की आवाज़ होती है, उसकी मतलब आवाज़ आती रही. देन कट टू द राइट, राइट में मुड़े, द स्कब वाज स्टिल. तो जो स्कब्स, जो श्रब्स और झाड़ियाँ होती हैं, वो वहीं वहाँ भी थी. ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, कि उनकी खुद की जो, उसकी खुद की वो हटा हटा के जा रहा था, जो ट्विग्स टहनियाँ होती हैं, तो उनके टूटने की आवाज़ आ रही थी. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. वो थोड़ा वंडर हुआ एक, कि जैसे कि वो अपनी डायरेक्शन भूल गया है.